जो गुरुमुख सतगुरु के वचनों के अनुसार चलते हैं, उसके अनुसार भक्ति के नियमों की पालना करते हैं, भजन अभ्यास करते हैं, तो उनके साथ ताकत किसके काम करती है? सतगुरु की ताकत काम करती है। और सतगुरु उसे अंतर से भी सुरक्षित रखते हैं और बाहर से भी सुरक्षित रखते हैं। यही कारण है कि आज संपूर्ण विश्व के अंदर जहां जहां भी गुरुमुख जन रह रहे हैं, यद्यपि संसार इस महामारी से, इस विपदा से पीड़ित है, लेकिन गुरुमुख जन जो श्री परमहंस दयाल जी की छत्र छाया में है, जिनके पास सतगुरु के वचनों की ताकत है, वो सुरक्षित हैं। और ये श्री सतगुरु देव दाता दयाल जी का आशीर्वाद है कि वो सदा सुरक्षित रहेंगे। अभी भी हमें फिर से श्री सतगुरु देव दाता दयाल जी ने ये वचन फरमाए कि इस विपदा से बचने के लिए भक्ति के नियमों की पालना करें। एक घंटा भजन अभ्यास का नियम तो पहले से ही गुरुमुखों का है, लेकिन एक घंटा भजन अभ्यास इसके अलावा भी करें। इससे हम भी सुरक्षित रहेंगे और श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज ने फरमाया है कि हमें ये प्रार्थना करनी है श्री परमहंस दयाल जी के चरणों में कि न केवल भारत को बल्कि संपूर्ण विश्व को इस महामारी से मुक्त करें। जब सतगुरु का हुक्म हमारे साथ है तो ये बीमारी कौन सी बड़ी चीज है। कहते हैं कि कभी ये ना कहो कि दुख बड़ा है, बल्कि दुख को कहो कि मेरा सतगुरु तीनों लोकों में सबसे बड़ा है। तो जो भक्ति के नियम हैं वो हमें अंतर से सुरक्षित रखते हैं, और जो सरकार ने हमें बाहर से भी सुरक्षित रहने के लिए निर्देश दिए हैं, हम जहाँ भी रहते हैं, जिस नगर में भी रहते हैं, जिस देश में भी रहते हैं, इसका पालन करना बड़ा ही आवश्यक है। श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी, जो गुरुमुख गाड़ी चलाने की सेवा करते थे, जब कभी यात्रा पर जाते तो श्री गुरु महाराज जी एक वचन फरमाते थे कि रोड पर चलते हुए कभी ये मत सोचना कि सामने वाला तुम्हें बचाएगा, तुम्हें होशियार होकर के चलना है और अपना बचाव खुद करना है। तो श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने यहाँ श्री आनंदपुर में भी सबको ये सिखाया है कि हमें स्वयं सुरक्षित होकर के चलना है, और स्वयं सुरक्षित होने के लिए ये मास्क लगाना हर किसी को आवश्यक है। जब भी कमरे से बाहर निकलें, लोगों के बीच जाएं, तो मास्क लगा करके, चाहे श्री दर्शन के लिए आए, चाहे श्री मंदिरों में जाएं, चाहे लंगर में जाएं, जहां भी जाएं, मास्क लगा होगा तो ये जो कीटाणु हैं वो आपको अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। इसके साथ साथ जब भी खाएं पिएं, उससे पहले अपने हाथों को साबुन से धोएं। तीसरा, जो विशेष रूप से श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने सब गुरुमुखों से इस नियम का पालन करवा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, कि जहाँ भी बैठो आपस में थोड़ी दूरी बना करके बैठो। दिल की दूरी नहीं बनानी, शरीर की दूरी बनानी है।
अपने चारों तरफ देखो कि आपके और दूसरे जो गुरुमुख आपके साथ बैठे हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होना चाहिए। इस प्रकार अगर हम इन नियमों का पालन करेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। श्री परमहंस दयाल जी की कृपा तो हम पर है ही है, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का आशीर्वाद भी हमारे साथ है, लेकिन उनके वचनों की पालना करना भी हमारा धर्म है कि जो जो भी वचन श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी समय समय पर हमें हमारी भलाई के लिए करते हैं हम उनका कड़ाई से पालन करें, यहाँ भी सुरक्षित रहें, आगे भी सुरक्षित रहें, सदा प्रकाशित रहें और सदा प्रेम के सावन में भीगे रहें, यही हमारी शुभकामना है और यही हमारे श्री चरण कमलों में सब गुरुमुखों की ओर से प्रार्थना है कि श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी अपना प्यार और आशीर्वाद इसी प्रकार हम सब पर बनाए रखें। बोलो जय।